स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर फोर एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो देखो, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर काउंट द नंबर ऑफ मार्क्स पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको एक तो पॉइंट मार्क करने है ना कि पॉइंट आपके कितने हैं, काउंट करो, और एक लाइन सेगमेंट। तो इसका अपन ए पार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखेंगे अपन। तो देखो, इसमें आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें आपको देखो कितने दिख रहे हैं, ए बी सी और ओ, कितने हो गए अपने ए बी सी ओ। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, तो कितने हो गए अपने 4 पॉइंट। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी है ना। एंड लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट देखो कितनी, ए ओ, ये पॉइंट एक ए एक पॉइंट ओ, टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट ये है 1 BO2 OC3, तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 लाइन सेगमेंट। देखो ये आंसर है। और आप चाहो कि लाइन सेगमेंट कौन सी है, तो आप लिख सकते हो कि ए ओ, फिर ओ बी और ओ सी, ए ओ है या ओ ए है ना, दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। तो अपना इसका आंसर आ गए। अब आपको देखो, इसको मेंशन करना है तो करो, नहीं भी करना है तो, क्योंकि सिर्फ हमें तो क्या पूछा है, काउंटिंग पूछी है ना पॉइंट की और लाइन सेगमेंट की, तो आंसर तो सिर्फ ये है। लेकिन हमने इसको इसलिए लिख दिया है, शो किया है, ताकि आप बाद में भूलोगे भी नहीं और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इसलिए मैंने ये पॉइंट भी लिख दिए हैं और लाइन सेगमेंट भी लिखी है। अब देखो इसका डी पार्ट, डी पार्ट का सोल्यूशन, डी पार्ट में आप बताइए, डी पार्ट में क्या है आपके पास, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स लिख दें, कौन से हैं, पी क्यू आर एस। इसके बाद लाइन सेगमेंट की बात है, तो देखो पी क्यू को ज्वाइन करने वाली 1 लाइन सेगमेंट, क्यू आर को 2nd लाइन सेगमेंट, आर एस क्या हो जाएगी, 3rd लाइन सेगमेंट। तो कितनी लाइन सेगमेंट अपने पास, 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट। कौन कौन सी हो जाएंगे अपने पास, पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, तो 3 लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे। इसका बी और सी आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब आपको ये फिगर गिवन है और आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट देखिए, लाइन एल वन एंड एल टू आर। अब आपको बताना एल वन एल टू कैसी है। अब देखो एल वन तो ये वाली लाइन है अपनी, L2 ये वाली लाइन है, L3 ये वाली लाइन है। अब हमें बताना है L1 और L3, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना, इनके मिड की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइन L एंड L3, L1 एंड L3 आर पैरेलल। तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसके बाद देखो L1 एंड L2, L1 लाइन ये वाली है, L2 लाइन ये वाली। अब देखो ये लाइन इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है आपको, यानी एकदम स्ट्रेट कट कर रही है बिल्कुल, तो 90 डिग्री एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन L1 इज पैरेलल, ये परपेंडिकुलर टू L2। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ है ना, अपना आंसर कंप्लीट हो गया, सब भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें देखो अगर लाइन कोई लाइन है, उसे सेकंड लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर पर कट करें, दैट मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर, तो ये L1 है ये L2 है, तो क्या हो जाएगी, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, परपेंडिकुलर का साइन होता है। उसी तरीके से अगर आपको ऐसे बोलते हैं है ना, कि जैसे एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये क्या है, L3 लाइन है। देखो L1 बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही है ना, दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन ये भी इसको कट कर रही है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, लाइन L3 एंड L2 आर, ये क्या हो जाएगी, लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अरे ये है, ये है ना लाइन, वापस लिख देते हैं लाइन। देखो ये
इसकी 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा, लेकिन इस ये L2 लाइन को कट कर रही है ना, L3 लाइन, तो जब L3 लाइन L2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, L2 एंड L3, या L3 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको ये भी याद रखना है कि कब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कब लाइन परपेंडिकुलर होगी। जब बिल्कुल स्ट्रेट कट करें, इंटरसेक्ट करें, और इन दोनों के मिड में 90 डिग्री का एंगल बने, आपको ऐसे लगे है ना कि बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये परपेंडिकुलर है। अदरवाइज थोड़ी सी भी अगर आपको तिरछी दिखी है ना, किसी अगर दो थोड़ी सी भी तिरछी है, तो फिर आप क्या बोल दोगे, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका भी आपको होमवर्क में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, नेम द लाइन सेगमेंट एस एंड रेस एस इन द गिवन फिगर। अब आपको ये फिगर गिवन है और आपको इसमें लाइन सेगमेंट बतानी है और रेस बतानी है। तो लाइन सेगमेंट आपको पता है, कोई भी टू पॉइंट है उसको जब हम ज्वाइन करते हैं, है ना, किसी भी टू पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, लाइन सेगमेंट। तो देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर हम इसको ज्वाइन किया तो हमारी क्या बनी, लाइन सेगमेंट। टू एंड पॉइंट होते हैं ना इसके, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी अपनी, लाइन सेगमेंट बराबर ए बी। इसके बाद रेज लिखनी है आपको, रे देखो, रे क्या होती है, वन पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेस क्या होती है, वो एक्सटेंड होती जाती है। यानी इसका एक एक तो इनिशियल पॉइंट होता है और सेकंड पॉइंट इसका एंडलेस होता है, यानी उसके कुछ एंड ही नहीं है वो, ठीक है ना, तो एक्सटेंड होती जाती है। तो ऐसे कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ए से, ए इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये देखो रे जा रही है ना, ए सी रे है जो आगे तक जा रही है। इसी तरह से बी इनिशियल पॉइंट है, बी से बी डी एक रे जा रही है, तो लिख दें हम एक रे क्या हो जाएगी अपनी ए सी, इसको ये वाला साइन लगा के, है ना, एक क्या हो जाएगी अपनी बी डी, तो बी डी ये देखो ए सी और बी डी, एक ए सी हो गई एक अपनी बी डी हो गई, तो रेज हमने लिख दी ए सी बी डी। देखो ये रेज का साइन है ना, तो ऊपर इसको बनाना ज़रूरी है आपको, तो ए सी रेज है तो आप ऐसे रे बनाना ऊपर, और बी डी ये बी डी है तो इस पर आप इस तरीके से बना देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। अब आपको पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी गिवन है आपको। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो आप जब भी देखना, जैसे आपने ये लाइन बनाई है ना, अगर आपको इस तरीके का सिंबल दिखे, है ना, ये क्या होता है अपना 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो पी क्यू क्यू आर ये बन दिख रहा है ना, यानी पी क्यू और क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरीके से क्यू आर और आर एस के मिड में भी साइन है, तो क्यू आर आर एस के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हम लिखें, हमें ये लिखना है आपको परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट लिखनी है, तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, इसको देखो वापस लिख रही हूँ मैं, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा अपना क्यू आर, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड देखो क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तुम क्या लिखेंगे, क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, या तो आप पूरा परपेंडिकुलर लिखो, आप क्या लिखोगे, पी क्यू एंड क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या तो पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखो, या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू आर एस।